नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल इंडिया डॉक्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा। आप सभी हमसे बोलते थे और पूछते थे कि इन दोनों देश के बीच में कौन है पावरफुल, और कभी 2018 में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के पास में हमारे से ज्यादा मिसाइलें हैं। आप हैरान हो गए होंगे ना, परंतु फिर भी हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे। आखिर ये माजरा क्या है, ये जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखते रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने से आप हमारे वीडियो सबसे पहले ही मिल जाएंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हु विल विन इफ वॉर हैपेंड। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा। दोस्तों, वह जमाना गया, वह दौर गया, जब दो देश के बीच में मिसाइल, टैंक और बंदूकों के बदौलत ही लड़ाई हुआ करती थी। अब वह जमाना आ चुका है कि दो देश के बीच में न्यूक्लियर वॉर होती है। आज से पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर किया था जापान के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वह कितना खतरनाक दौर था, कितना खतरनाक लड़ाई हुई थी, पूरा देश लगभग खत्म होने के कगार में था। हमारे भारत के पास में पाकिस्तान के मुकाबले डबल आर्मी है, टैंक और गन और वेपन्स में भी हम उनसे आगे हैं। परंतु दोस्तों, पाकिस्तान के पास में हमसे ज्यादा मिसाइलें हैं, बट रियलिटी क्या है, उनकी मिसाइल की रेंज हमसे कम है। हमारी मिसाइल की रेंज हाईएस्ट 8000 है और उनकी मिसाइल की रेंज हाईएस्ट 2700 किलोमीटर तक की है, जो बहुत ही कम है। तो यह हुआ टेक्निकल बातें। मैं आपको टेक्निकल बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि टेक्निकल बातें आप सभी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियलिटी में होता क्या है, रियलिस्टिक बातें क्या है, आखिर कभी युद्ध होता है तो क्या होगा। हमारे भारत ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत हमारा भारत कभी भी एक लड़ाई या एक वॉर स्टार्टअप नहीं दे सकता है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक दूसरा देश हमारे ऊपर वॉर आगमन नहीं कर देता है, जब तक हमारे भारत के ऊपर एक मिसाइल ना दाग दिया जाए पाकिस्तान के द्वारा, जब तक हम कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं। हकीकत यही है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि उनके पास ज्यादा मिसाइलें हैं, परंतु लड़ाई में ऐसा नहीं है कि सभी वो अपनी मिसाइल दाग दें। रियलिस्टिक में 2 से 3 मिसाइलें दागी जाती हैं और उसी के बाद में ही लड़ाई लगभग शांत हो जाती है, वॉर लगभग खत्म हो जाता है। हमारी मिसाइल की रेंज उनसे ज्यादा है, हमारे पास पावरफुल मिसाइल्स हैं, परंतु लड़ाई में यह जरूरी नहीं है कि हम कितना हानि पहुंचाते हैं, लड़ाई में यह भी जरूरी है कि हम अपने आप को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास में ऐसा कोई भी डिफेंस या एक प्रोटेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास परंतु 2 डिफेंस के सिस्टम है, जिसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस के तहत हमारे पास एक 80,000 मीटर का, या आप कह सकते हैं 80 किलोमीटर तक की रेंज का एक सिल्डअप है, जिसके द्वारा हम कोई भी 80 किलोमीटर ऊपर कोई भी मिसाइल होगी हम उसको वहां पर ही नस्तोनाबूद कर सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। परंतु मैं आप सभी को अंत में एक बात बोलना चाहता हूं। आप सभी जान गए हैं कि दोनों के बीच में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा। मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि कभी हम आगमन करते हैं लड़ाई की, हम यहां से 2 न्यूक्लियर वेपन डालेंगे, पाकिस्तान के आजू बाजू के देश भी हानि पहुंचेंगे, और जहां पर मिसाइल दागी जाती है वहां पर 50 साल तक कोई भी अनाज का एक दाना नहीं उग सकता, ऐसी हालत होती है, जमीन पूरी बंजर हो जाती है। इस वॉर से पाकिस्तान का नुकसान तो होगा ही होगा, परंतु हमारे भारत का भी नुकसान होगा। हम 5000 साल पीछे चले जाएंगे, हमारे देश में भुखमरी छा जाएगी, और तो और पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और तो और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय थी आज की वीडियो के बारे में। हाँ, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।